साहब तुम हमारा ऑनलाइन करवा दे, हमारा तो कोई ना आया है। अरे बेचारा यही आएगा भाग के ही दिवाई दे। आपका नाम क्या है? किसका मेरा है? नाम है संदीप सर। संदीप जी, आपके परिवार में किसको मकान मिला था और क्या समस्या आ रही है? समस्या मेरे भाई को मिला था कॉलोनी का। क्या नाम भाई का? मेरे भाई का नाम लाला है और उनके वाइफ का नाम पैसे आई थे, नीलम नाम है उनका। हाँ, फिर तो ये खाता जनधन था हमारा खाता, हाँ इसलिए वो एक किस्त आया 40,000 का। 40,000 का आने के बाद किस्त रुक गया, नहीं आया। और सब लोगों के 4 6 10 कॉलोनी बने हैं, चार कॉलोनी सब लोगों के आ गया है, लेकिन ये चार कॉलोनी पैसे ही है, मेरे भाई का है और चार लोगों का है। उनका पैसा रुक गया है, फिर बोले गया कि दूसरा खाता खुलाइए, दूसरा खाता खुलाइए। दूसरा खाता खुलाया गया, हो गया 6 7 महीने, दूसरे खाते में पैसे वो 1,000 रुपये वाला खाता करा दिया गया, उसमें भी नहीं आया अच्छा, पैसा क्या कह के रोका गया है? पैसा। ये कहा गया कि अभी पैसा आ नहीं रहा खाते में और तुम लोगों को भी थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये क्या बोल खाता गया। बदलवाने के लिए कहा हाँ, खाता गया? बदलवाने के लिए कहा गया तो खाता भी बदलवा दिया गया। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को 70,000 रुपये का चेक दिया गया था और जनधन का उसका खाता था, तो उसमें खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो अब लाभार्थी के पास क्या ऑप्शन है, कैसे उसको हासिल करें? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं, उससे पहली किस्त 40,000 की होती है, दूसरी 70,000 की, और आवास पूर्ण करने पर 10,000 रुपये और दिए जाते हैं। अब ये जानकारी में अकाउंट उसने अपना वही दिया होगा जिस अकाउंट में क्लिक था, वो RTGS से उसके खाते में गया होगा। अब जनधन योजना की बात बता रहे, संबंधित बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात करके उससे कंफर्म करके देखा जाएगा कि उसी नाम से दूसरा उसका प्राइवेट वही अकाउंट नंबर हो सकता है कि वही जनधन के अंदर, जिससे उसको अपना 70,000 रुपया प्राप्त हो सके।